ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଡାଇଗ୍ନୋସିସ୍ ହେଇପାରୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କ୍ଲିନିକାଲ କୋରିଲେସନ ହେଇନପାରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଏବଂ ଡାକ୍ତରଙ୍କର ବହୁତ ଜାଗାରେ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ ହେଇପାରୁନି। ସନ୍ଶାଇନ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ୱି କ୍ୟାନ୍ ଡାଇଗ୍ନୋଜ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୟୁର୍ ଦ ଡିଜିଜ୍। ए रोग किसी एमती कारण ना ए रोग हुए तो जेनेटिक एक्वायर्ड हो पारे ये यंग मेल मानक हुए यंग एशियन मेल्स मानक नॉर्मल हुए पु मैंने डेफिनेटली ये 20-40 वर्ष भितर एफेक्ट हूँ। सिम्टम्स जो डिजीज हुए ये नॉर्मल स्पाइन कंप्रेशन हुए न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भाया हुए कि एमआरआई नॉर्मल आसे एमआरआई आपण कले एमआरआई नॉर्मल किसी आसवनी अंटीना अलनेस आप डायनामिक एमआरआई करना बहुत जगह डायनामिक एमआरआई फैसिलिटी हुए नहीं तो एमती करके एमआरआई करार अच्छे से ही एमआरआई रे आम डायग्नोज कलु अच्छी बोली से बहुत जगह से दिल्ली भी गले बाकी जगह पीजीआई भी जाइ देखते बट तार ट्रिटमेंट ग्राजुअली जितेबाला से लास्ट फास्ट 6 मास तेल मो पाक आसता से चलिक आसला बट जो काली एवं रिसेंट आसला से पूरा बिल्कुल चली पारे टलम होगी पूरा चलूला। हाँ बिल्कुल एवं चली पाऊँ जोटा बेसिक जिनस लोक चली पार ना एवं चली पाँच से मिराकल ता सहित आज मुझे पचारि कि लिखे प्रोब्लेम होता है कारण एमबीबीएस पे ना लिखे पड़ो तो से लास्ट परीक्षा तो सांग लिखिक दे तो ये से आज मुझे कहली कि तू लिखिक देखा पूरा आराम से लिखी पाँच सब कर एक्चुअली जदि बेमार कह मोर 2 वर्ष है स्टार्ट तो स्टार्टिंग किसी डायग्नोसीस किसी जस्ट 3 मास 4 मास हम कि आईडिया मिले कि डायग्नोसीस मोस्ट प्रोबेबली सी भी कन्फर्म थी जिनस आउ मो केस जमी आप जान ली रेयर केस तो बहुत लेट डायग्नोसिस हुए डायग्नोसिस भी सत्ते किसी रुहे कथा कि से इम्प्रूव हुए तो मो केस किंतु आर्ली हैला बोली तो इम्प्रूवमेंट एत रोच आम यहाँ आशा करूँ कि भविष्य खाली भी कौन से भी आम कही पारे हाँ बर्तमान आपड़ कही पारे मैंने आम जी सर्जरी आशा मुँह न करी ताकि इम्प्रूवमेंट अच्छी।